खेती बाड़ी बाग बगीचा छत पर बागवानी सरकारी योजनाओं और पशुपालन और कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें घर में बगीचा चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं। हेलो दोस्तों नम सभी को नमस्कार मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं मक्का के जो स्टेम बोरर लगता है मक्का में इस समय बहुत तेज से चल रहा है और इस समय टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो कोई भी दवा कारगर नहीं होती है कोई भी दवा काम नहीं करती है ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आप अगर एक बार भी अप्लाई कर देंगे तो सौ प्रतिशत आपका जो ये स्टेम बोरर की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी क्योंकि स्टेम बोरर देखिए इस इस खेत में स्टेम बोरर की दवा डाली जा चुकी है और उसके बाद भी देखिए पत्तियाँ जो हैं कैसी निकली हुई हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है पौधे को और इससे पूरे जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है यह एक ऐसा कीड़ा है जो फसल को शुरू से लेके मतलब मतलब पौधावस्था से लेकर अंत तक जब कॉब निकलता है भुट्टा निकलता है उस समय तक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और ये चाइलो पर्टेलिस नाम जिसका नाम होता है जो इसका जोलॉजिकल नेम है वो चाइलो पर्टेलिस है और किसान भैया ये देखिए इसका जो ये पत्तियाँ खा खा कर यहाँ पर देखिए कितना सारा ये कूड़ा इकट्ठा कर देता है और बिल्कुल पौधे को बर्बाद कर देता है तो इससे फसल का जो जब ये ज़्यादा मात्रा में फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं तो उस समय जो कॉप निकलता है जो भुट्टा निकलता है बहुत ही कमज़ोर रह जाता है और कभी कभी इतना नुकसान बढ़ा देता है कि ये भुट्टे में कॉप में भी अंदर प्रवेश कर जाता है और सारे दाने के अंदर जो है भुट्टे को ख़राब कर देता है और जो स्टेम होता है जो तना होता है मक्के का वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब कर देता है तो आज हम आपके लिए बस इसी का सॉल्यूशन ले आए हैं कि ऐसा आपको एक बार में डाल डालने पर ही इसके सौ प्रतिशत कंट्रोल मिल जाएगा और इसको आपको शाम के समय में स्प्रे करना रहेगा अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि कौन सी दवा है और कैसे इस्प्रे करना है तो ये देखिए दोस्तों ये हम जो आपको दवा दिखा रहे हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए ये इमा मेक्टिन बेंजॉइट है पाँच प्रतिशत एस जी और ये दो दवाएं हैं जो आपको स्प्रे करने पड़ेंगी क्योंकि सिंगल दवा से इस समय डोज आप कितना भी डोज बढ़ा के डाल दीजिए लेकिन कारगर नहीं साबित हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उस लार्वे पे कोई असर नहीं पड़ता है अगर ऊपर की जो पत्तियों पर होता है जिसके ऊपर पड़ जाता है वो तो मर जाता है लेकिन जो जो मेन कल्ले में जो होता है जो, मेन पत्ती होती है पहली टिप वाली वहाँ पर जो बैठता है वो नहीं मरता है तो उसको मारने के लिए हम दो तरीके तो का केमिकल यूज़ करेंगे इसमें देखिए ये है इमाम बेंजॉइड पाँच प्रतिशत एस जी इसकी सौ ग्राम मात्रा लेनी है आपको और कंपनी कोई भी आप लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो उपलब्ध था हम आपको दिखा रहे हैं नाम आप किसी भी नाम से ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं बस आपको जो टेक्निकल देखना है वो ईमामकटिन बेंजॉइट होना चाहिए उसके अंदर और ये दूसरा जो है ये देखिए ये है इंडक्सा कर्ब चौदह दशमलव पाँच परसेंट पाँच परसेंट एस सी ये इंडक्सा कार्ब आपको लेना है और ये दोनों जो है सौ ये सौ एम एल में है और वो सौ ग्राम में है यानी जो इमाम बेंजॉइट है वो सौ ग्राम लेना है आपको और ये सौ एम एल लेना है इस पर देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है लेकिन इतने का मिलता नहीं है ये तीन सौ से लेकर तीन सौ पचास के बीच में ही मिल जाएगा आपको और दोनों का प्राइस लगभग सेम है और दोनों इसी लगभग आपका एकड़ में छः सौ रुपये का खर्चा छः सौ या साढ़े छः सौ रुपये का आएगा तो ये दोनों दवा दो आपको ले लेनी है और इनको यूज़ कैसे करना है साढ़े सात लीटर में घोलेंगे साढ़े सात या पौने आठ लीटर में घोल दीजिए तो ये पूरा आठ लीटर बनकर तैयार हो जाएगा और फिर आपको एक एक लीटर इसमें से अच्छे से घोल के एक एक लीटर हर टैंक में डालते जाइए और उसका स्प्रे कर दीजिए तो इसका एक स्प्रे करेंगे एक ही स्प्रे करने के बाद सारे आपके जितने भी लार्वा लगे होंगे और जो निम्फ लगे होंगे इसका जो जो वयस्क होता है कीट जो स्टेम बोर्ड होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल इससे निजात मिल जाएगी तो दोस्तों इसको यूज़ करना शाम के समय ही करना है जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है उस समय यूज़ करना है इस बात का आप ध्यान रखें और यूज़ करते समय आपको अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेना है अगर ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप उसको हाथ से मत छूइएगा और स्प्रे करते समय अपने मुंह पर मास्क या फिर जो गमछा होता है उसको आप जरूर लगा लें ताकि आप इसकी जो जो इसका स्मेल है या इसका जो केमिकल है वो आपके नाक के अंदर सांस के सांस के द्वारा ना जा, जा सके तो इस बात का ध्यान रखना क्योंकि दोनों ही जो ये दवाएँ हैं बहुत ही हार्ड हैं तो किसान मैं उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा आप डालिएगा इसको एक बार में ही आपको सौ रिजल्ट मिलेगा अगर आपको दोबारा कभी भी दिखता है तो आप पंद्रह दिन के बाद एक स्प्रे और कर दीजिएगा आपकी तब तक फसल जो है पूरी निकल आएगी और दोबारा इसका अटैक नहीं हो पाएगा तो को आप अगर को आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों